तो दोस्तों फाइनली आज मैंने भी देख ली बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सेटाइल सुपरस्टार की पहली वेब सीरीज यानी कि रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस को। तो भाई कैसी है ये वेब सीरीज, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आ चुकी पहली वेब सीरीज यानी कि रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस से। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वेब सीरीज़ का रिव्यू आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि भैया आप इस वेब सीरीज़ को कहां देख सकते हो। वैसे तो ये जानकारी ऑलरेडी हम लोगों ने आपको पहले भी दे रखी है, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं कि भैया आप इस वेब सीरीज़ को देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉट स्टार के ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पे, यानी कि भैया इसी OTT प्लेटफॉर्म पे जाकर आप इस वेब सीरीज़ को देख सकते हो जो कि 6 हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इसके 6 एपिसोड है इस पहले सीजन के। वैसे रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही दे दी थी कि भैया, और वैसे ये बात तो आप लोगों ने कई माध्यमों के माध्यम से सुन ही रखा होगा कि भैया अजय देवगन की ये जो वेब सीरीज है यानी कि रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस, वो लूथर की ऑफिशियल रिमेक है, यानी कि लूथर की कहानी को 6 हिस्सों में बांट कर दिखाने की कोशिश की गई है इस वेब सीरीज के माध्यम से, जिसे डायरेक्ट किया है राजेश माँ पुष्कर ने और इसकी कहानी को लिखा है उपेन चौहान और जय शीला बंसल ने। उसके बाद अगर हम बात करें इस वेब सीरीज में नजर आने वाले कलाकारों की, तो भैया इसमें नजर आ रहे हैं अजय देवगन, राशि खन्ना, अतुल कुलकर्णी, ईशा देवल, अश्वनी कलिश्कर और सत्यदीप मिश्रा, यानी कि भैया स्टार कास्ट तो बहुत ही लंबा है क्योंकि इसमें अलग अलग कहानी आपको अलग अलग मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलेगी इस वेब सीरीज में। यानी कि जब ये वेब सीरीज शुरू होती है तो एक मर्डर मिस्ट्री से ही शुरू होती है, यानी कि भैया पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि एक घर में 2 दंपति का मर्डर हो गया है और इसी मर्डर मिस्ट्री से कहानी शुरू होती है रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस की, यानी कि इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है उस तक पहुंच भी जाते हैं अजय देवगन, लेकिन वो उसे सजा नहीं दिला पाते हैं। और वो जो कातिल रहता है पहले मर्डर का, वो इतना चतुर और इतना सयाना होता है कि उसके सामने अजय देवगन को भी हार मानना पड़ता है। और आगे चलकर यानी कि इस वेब सीरीज में जब आप देखोगे तो बार बार अजय देवगन इसी हत्यारे से बीच बीच में मदद लेते रहते हैं। थोड़ा सा स्पॉइलर मैंने आप लोगों को दे दिया, लेकिन उसके बाद आप जब देखोगे तो भैया बाकी के 5 एपिसोड में भी आपको अलग अलग कहानी देखने को मिलेगी, यानी कि 5 अलग अलग मर्डर मिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। उसमें से एक मर्डर मिस्ट्री खुद अजय देवगन के लाइफ से भी जुड़ी होती है, जो कि मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छी लगी थी। यानी कि जितनी भी मर्डर मिस्ट्री हम लोगों के सामने रखी गई उन सभी भी मुझे वही स्टोरी सबसे अच्छी लगी जो कि अजय देवगन की लाइफ से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस मर्डर मिस्ट्री को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया भी गया था। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी के सभी मर्डर मिस्ट्री की, तो भैया वो सारी के सारी मर्डर मिस्ट्री मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जा रही थी, यानी कि कहानी जैसी होनी चाहिए थी, जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सस्पेंस है वो बहुत जल्दी ही खुल रहा था और बहुत जल्दी ही मतलब कि हर एक मर्डर मिस्ट्री का हिस्ट्री खुलकर सामने आ रहा था। अगर आप लोगों ने लूथर देखी होगी तो लूथर में हम लोगों ने एक बात देखी थी कि भैया उनके हर एक कहानी को यानी कि हर एक मर्डर मिस्ट्री को कम से कम 2 से 3 एपिसोड में समेटा गया था, यानी कि लंबा वक्त लग रहा था लूथर को हर एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई है रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस की टीम से, जो कि अच्छी कहानी तो हम लोगों के सामने लेकर आए हैं अच्छे परफॉर्मेंस के माध्यम से, बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से, लेकिन कहानी बहुत ही फास्ट गति से चली है, जिसकी वजह से वो जो सस्पेंस था, जो थ्रिल था, वो बहुत सारी स्टोरीज में हमें देखने को नहीं मिलती। ये डार्क पॉइंट है इस वेब सीरीज का, जो कि मुझे काफी चुभा कि भैया इतनी बेहतरीन वेब सीरीज है, कहानी को थोड़ा सा और एलोबरेट किया जाता, थोड़ा सस्पेंस और बढ़ा जाता, ट्रीटमेंट थोड़ा सा और बेहतरीन होता और अजय देवगन को
उन कातिलों तक पहुंचने में थोड़ा सा और दिमाग भिड़ाना पड़ता ना, तो थोड़ा सा कहानी और ज़्यादा बेहतरीन हो सकता था। यानी कि ट्विस्ट एंड टर्न जो होनी चाहिए सस्पेंस में, कहते ना कि जब कोई सस्पेंस मूवी हम लोग देखते हैं तो उसमें हम ये बात खोजते हैं कि भैया इस कहानी में कितना ट्विस्ट एंड टर्न है। और जब तक सस्पेंस मूवीज़ में ज़्यादा मतलब कि फलक्रम ना हो और ट्विस्ट एंड टर्न ना हो तो भैया वो मज़ा नहीं आता, और यही कमी मुझे नज़र आई है इस वेब सीरीज के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें भैया एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की, तो भैया यहाँ पर किसी भी एक्टर की हम आलोचना कर ही नहीं सकते, सब के सब बेहतरीन एक्टर थे। और भाई वर्सेटाइल सुपरस्टार यानी कि अजय देवगन की हम बात ही क्या करें, यानी कि भैया वो जब भी फ्रेम में आ रहे थे वो अपनी कातिल एक्टिंग के माध्यम से भैया लोगों का दिल जीत रहे थे। यानी कि एक्टिंग डिपार्टमेंट जो था इस वेब सीरीज का बहुत ही सॉलिड था, बहुत ही सुपर था। लेकिन इसके बावजूद भी इस वेब सीरीज को लोगों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा विश्वास भी मिल रहा है। यानी कि भैया इस वेब सीरीज को अभी तक कई लोगों ने देख लिया है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ स्टार रैंकिंग की, तो भैया इस वेब सीरीज को IMDb के साइट पर 7.9 का स्टार रैंकिंग मिला है 10 में। यानी कि ऑडियंस को ये वेब सीरीज काफ़ी पसंद आ रही है। यानी कि अजय देवगन ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से इस वेब सीरीज के सभी कमियों को ढक कर रख दिया है, जिसकी वजह से ये वेब सीरीज लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गई है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस कैसा लगा, आपको भी वो कमियां नजर आ रही थी जो कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया इस वेब सीरीज में अगर थोड़ा सा थ्रिल, थोड़ा सस्पेंस और भी बेहतरीन होता ट्रीटमेंट के साथ में, तो ये वेब सीरीज और भी मजा देती। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।